हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत करता हूं फिर से एक नए वीडियो के साथ। और आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि जो मुंबई से और अहमदाबाद के बीच में चलाई जा रही बुलेट ट्रेन की जो फर्स्ट टनल बनके कंप्लीट हुई है दोस्तों, उसका अपडेट। और ये जो टनल बनके कंप्लीट हुई है दोस्तों, ये गुजरात और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे जरौली गांव के पास ये टनल जो है उसका काम कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं गुजरात और महाराष्ट्र दोनों का अपडेट, हम इसी वीडियो में देखने वाले हैं दोस्तों। तो चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बुलेट ट्रेन से रिलेटेड कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। तो यहाँ से स्टार्ट होता है सेक्शन 4 और ये सीधा इस साइड में जाता है महाराष्ट्र की सेक्शन में। तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे सिर्फ जो अलाइनमेंट है उसकी जगह कंप्लीट हुई है कि यहाँ होके पेयर वर्क निकलने वाले हैं। सामने आप देख सकते हैं, आगे तक आपको दिख रहा होगा, महाराष्ट्र में कुछ भी काम नहीं हुआ है। फ्रेंड्स, अभी हम देख रहे हैं सेक्शन 3 का अपडेट, जो कि सामने आप देख सकते हैं सीधा जाता है महाराष्ट्र की साइड में और यहीं से स्टार्ट होता है सेक्शन 3। और आज की वीडियो में मैं आपको सेक्शन 3 और सेक्शन 4 दोनों का अपडेट देने वाला हूँ। सेक्शन 4 जो कि जरौली गांव से और बड़ौदा तक सेक्शन 4 लगता है, और आगे तक आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे सिर्फ जो अलाइनमेंट निकलने वाला है वहाँ तक जगह को डिसाइड किया गया है कि यहाँ होकर पेयर वर्क निकलने वाले हैं, बाकी कुछ भी काम यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। और अभी हम चलेंगे जहाँ पर इसकी टनल का काम जो दोस्तों फर्स्ट टनल बन के कम्प्लीट हुई है। फ्रेंड्स, ये 508 किलोमीटर के रूट में टोटल 8 टनल बनने वाली हैं, जो कि माउंट टनल होने वाली हैं, जिसमें 7 टनल जो बनाई जाएंगी वो महाराष्ट्र सेक्शन में बनाई जाएंगी, और एक जो टनल बनाई जा रही है जिसका काम अभी कंप्लीट हो चुका है दोस्तों, वो बनाई जा रही है गुजरात सेक्शन में, जो कि महाराष्ट्र और गुजरात का बॉर्डर है। उस टनल का काम पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। इसका लास्ट अपडेट जो हमने देखा था उसको करीबन 8 महीने जैसा टाइम हो चुका है। तो फ्रेंड्स, आप सभी के कमेंट आते थे कि महाराष्ट्र का अपडेट दिखाओ, महाराष्ट्र में बुलेट ट्रेन का काम जो है वो कितना हुआ है। और अभी आप देख सकते हैं सामने आप देख सकते हैं, यहाँ पे काम की बात करूँ तो यहाँ पे काम कुछ भी नहीं हुआ है। आगे तक आप देख सकते हैं कुछ भी काम हमें देखने को नहीं मिल रहा है दोस्तों। काम जो सबसे ज़्यादा काम हुआ है वो गुजरात सेक्शन में ही हुआ है दोस्तों। तो फ्रेंड्स, यहां से स्टार्ट होता है सेक्शन 4। जैसे कि मैंने आपको बताया, आज की वीडियो में हम लोग सेक्शन 3 और सेक्शन 4 दोनों का अपडेट देखने वाले हैं। अभी जो मैं आपको दिखा रहा था जहां पे कुछ भी काम स्टार्ट नहीं हुआ था वो था सेक्शन 3, जो कि महाराष्ट्र में आता है, और यहां से स्टार्ट होता है सेक्शन 4। और ये जो टनल बनाई गई है ये भी सेक्शन 4 में ही आती है दोस्तों, जो कि जरौली गांव से और बड़ौदा तक सेक्शन 4 लगता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि हमने पीछे की साइड में देखा था महाराष्ट्र में कुछ भी काम हमको देखने को नहीं मिला था, ये सेक्शन 4 लगा है दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे पाइलिंग का जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है, पेयर वर्क का जो काम है वो किया जा रहा है, और सामने है माउंट टनल जिसका आज हम खास तौर पर अपडेट देखने के लिए आए थे दोस्तों। इसका लास्ट अपडेट देखा था हमने, तब इसका काम कम्प्लीट नहीं हुआ था, कुछ काम बाकी रह गया था दोस्तों। और आज की वीडियो में पूरी तरह से कनेक्ट हो चुकी है, दोनों साइड से इसको कनेक्ट कर लिया गया है। उस साइड में सिर्फ आधी टनल ही बनके कंप्लीट हुई थी और अभी तो ये पूरी तरह से बनके कंप्लीट हो चुकी है। फ्रेंड्स, ये मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन के अगर हम काम की बात करें तो 170 किलोमीटर तक पूरा वायडक्ट बनके कंप्लीट हो चुका है, वहीं पे 308 किलोमीटर तक इसका पेयर वर्क का जो काम है वो कम्प्लीट कर लिया गया है। और ये है बुलेट ट्रेन की फर्स्ट टनल जो कि जरौली बॉर्डर पर बनाई गई है दोस्तों, यानी महाराष्ट्र और गुजरात पे बॉर्डर पर इसकी फर्स्ट टनल का जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है। लास्ट अपडेट में हमने इसका जो अपडेट देखा था तब इसका आधा ही काम हुआ था, कनेक्ट नहीं हुई थी, और अभी तो ये फाइनली दोनों तरफ से कनेक्ट हो चुकी है दोस्तों। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग 10 से 15 किलोमीटर तक का पूरा अपडेट देखने वाले हैं। हालांकि आगे तक आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पेयर वर्क का जो काम है वो हमको कम्प्लीट नज़र आ रहा है, और आगे तक देखेंगे कि लॉन्चिंग का काम वो कहाँ तक अभी हुआ है, कहाँ तक बाकी है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे जो कंपनी जो काम कर रही है वो LNT के अंडर में ही इसका काम किया जा रहा है, यानी लार्ज एंड टर्बो के अंडर में ही इसका पूरा ये रूट कंप्लीट किया जा रहा है, और ये टनल भी LNT के ही मदद से दोस्तों बनाई गई।
और फ्रेंड्स फाइनली हम लोग आ चुके हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसका 10 से 15 किलोमीटर तक का पूरा अपडेट हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। और सामने आप देख सकते हैं, ये जो एरिया है ये दादर नगर एंड हवेली का एरिया, जिसमें ये एक बहुत बड़ी कंपनी है दोस्तों, ब्लोसरा इंडस्ट्रीज़, जिसमें यार्न की कंपनी है, यानी धागे की बहुत बड़ी कंपनी है। और इसके ऊपर होके इसका वायडक्ट बनाया जा रहा है बुलेट ट्रेन का। देख सकते हैं नई टेक्नोलॉजी से इसका काम किया जा रहा है। हालांकि इस कंपनी को नहीं तो हटाया गया, नहीं तोड़ा गया, इसके ऊपर होके बुलेट ट्रेन निकलने वाली है दोस्तों। जैसे कि मैंने आपको इस जगह के भी कई सारे अपडेट दिखाए हैं, तो मैंने इस साइड का ही आपको अपडेट दिखाया। उस साइड का जो फैक्ट्री के उस साइड का अपडेट मैंने आपको कभी नहीं दिखाया था, क्योंकि उस टाइम मैं मोबाइल से शूट करके वीडियो दिखाता था। और अभी आप देख सकते हैं फाइनली उस साइड का भी मैं आपको लेके चलूँगा, 5 से 10 किलोमीटर उस साइड का भी मैं आपको अपडेट देने वाला हूँ। और सामने आप देख सकते हैं ये नई टेक्नोलॉजी से इसके ऊपर होके बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी दोस्तों। वैसे तो ये कंपनी को हटाया भी जा सकता था, लेकिन काफ़ी दिनों तक इसका कोर्ट में दोस्तों केस चला, तो एक केस मालिक ने जीत लिया था कंपनी वाले ने, तो उसके ऊपर होके सॉल्यूशन निकाला गया कि बुलेट ट्रेन को ऊपर होके निकाला जाएगा दोस्तों। और ये जो एरिया है ये दादर नगर एंड हवेली में, जैसे कि आप सभी को तो पता ही होगा ये दो राज्य के बीच में चलने वाली है। इसका थोड़ा सा जो एरिया है वो दादर नगर एंड हवेली से भी निकलने वाला है दोस्तों। और सामने आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, आगे तक इसका पेयर वर्क का जो काम है वो पूरी तरह से कंप्लीट नज़र आ रहा है हमको। तो फ्रेंड्स आप सभी को पता ही होगा कि ये 508 किलोमीटर के रूट में टोटल 12 स्टेशन बनाए जाएंगे और 3 रोलिंग स्टॉक डिपोट बनाए जाएंगे दोस्तों, जिसमें फर्स्ट जो डिपोट बनाया जाएगा वो साबरमती में बनाया जाएगा, दूसरा सूरत में, और तीसरा जो डिपोट होगा वो थाने में दोस्तों बनाया जाएगा। और दोस्तों ये एलोवेटेड भी होने वाली है, यानी पिलरों के ऊपर भी चलाई जाएगी अंडरग्राउंड, यानी जैसे कि हम अभी देख रहे थे बुलेट ट्रेन की जो टनल है अंडरग्राउंड भी चलाई जाएगी। एट ग्रेड यानी समुद्र के अंदर भी 21 किलोमीटर लंबी इसकी समुद्र के अंदर टनल भी बनाई जा रही है दोस्तों। और फ्रेंड्स इसके बजट की अगर हम बात करें तो 1.1 लाख करोड़ की लागत से ये 508 किलोमीटर लंबा रूट कंप्लीट किया जा रहा है। फ्रेंड्स हमारे भारत में 7 ऐसे रूट और तैयार किए जा रहे हैं जो कि जिन पर बुलेट ट्रेन चलने वाली है। जैसे कि अभी हम देख रहे हैं मुंबई से अहमदाबाद के बीच में, उसके बाद दोस्तों 7 ऐसे रूट और तैयार किए जाएंगे, जैसे कि दिल्ली से वाराणसी, दिल्ली से अहमदाबाद, मुंबई से नागपुर, दिल्ली से अमृतसर, और मुंबई से हैदराबाद, चेन्नई से मैसूर, और वाराणसी से हावड़ा। ये 7 रूट और तैयार किए जाएंगे हमारे भारत में बुलेट ट्रेन के। और फ्रेंड्स सामने आप देख सकते हैं यहाँ पर पेयर वर्क का जो काम है पूरी तरह से कम्प्लीट हो चुका है। और ये है कास्टिंग यार्ड, यहाँ पे सारे स्पेन वगैरह तैयार किए जाते हैं और बड़ी बड़ी गाड़ियों द्वारा लोड करके आगे तक इनको लॉन्चिंग किया जाता है दोस्तों। तो आज के अपडेट में हमने देखा लेटेस्ट अपडेट, जैसे कि मैंने आपको बताया था मैं आज के अपडेट में 2 सेक्शन आपको दिखाने वाला हूँ, सेक्शन 3 और सेक्शन 4। और आज के अपडेट में हमने देखा जो कि जरौली बॉर्डर के पास इसका टनल का जो काम है वो पूरी तरह से कम्प्लीट हो चुका है दोस्तों, 8 महीने के बाद हमने अपडेट देखा। और ये अपडेट आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर अगर आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाला कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो के साथ।